हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना सीखा था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो हमें जस्ट एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहते थे तो हम कर देते थे, लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, ठीक है, उसमें जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे उन सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होगी। और जब हम सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे तो सबका सम मिलाकर वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो उसे ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जितने भी अलग अलग केसेस संभव हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद उनके आगे उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, फिर सबका सम निकालोगे तो वन आ जाएगा। यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कि हमने प्रोबेबिलिटी को सभी इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी अमंगस्ट ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, एंड दैट इवेंट इज नॉन एज सक्सेस, ठीक है। कि हम किसी भी क्वेश्चन में जितने भी अलग अलग केसेस पॉसिबल हो पाएंगे सभी केसेस की प्रॉबिलिटी निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर 4 वन डे क्रिकेट मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 वन डे मैचेस सपोज खेले जा रहे हैं, तो कितने अलग अलग पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक देश जीतेगा और दूसरा या फिर हारेगा, दैट्स ऑल। बीच में कोई ड्रॉ वगैरह का प्रोविज़न नहीं है इस क्वेश्चन में समझने के लिए, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, जीतना या हारना, विन और फेलियर। तो सपोज 4 वनडे क्रिकेट मैच होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एंड इंडियाज़ विन इज ट्रीटेड एज सक्सेस। देखो, ऐसा है, हमें हर क्वेश्चन में सक्सेस को डिफाइन करना होगा। जब भी हम कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हमें बताना है कि सक्सेस क्या है। तो इसमें बताया है इंडियाज़ विन विल बी ट्रीटेड एज सक्सेस। द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक, इंडिया 4 मैच हुए, इंडिया को 0 मैचेस में विन मिली और ऑस्ट्रेलिया को 4 में, ठीक है। इंडिया 0 ऑस्ट्रेलिया 1, या दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है इंडिया 1 विन ऑस्ट्रेलिया 3। थर्ड हो सकता है इंडिया 2 मैच में जीत गया और ऑस्ट्रेलिया 2 में। फोर्थ केस हो सकता है इंडिया 3 मैचेस में जीता और ऑस्ट्रेलिया 1 में। और पांचवा केस हो सकता है 4 मैचेस में इंडिया जीत गया और ऑस्ट्रेलिया किसी मैच में भी नहीं जीत पाया। तो बस आप ही बताओ, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो जब हम इन सभी पांचों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल कर इनके सामने यहाँ 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 लिख देंगे ना, तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हम आगे सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद हम पॉइजन नॉर्मल इसके बाद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दें इसको, ये जो हिंदी वाली डेफिनेशन है इसे हम मिटा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के लिए देखो, एक छोटा सा एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा, तभी इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो पाएगी। सपोज कर लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं।
देयर आर फोर वन डे क्रिकेट मैचेस will be played between India and Australia. देखो सेम एग्जाम्पल है लेकिन मैंने यहाँ प्रॉबिलिटी नहीं लिखी थी, आप प्रॉबिलिटी भी साथ में लिख दूंगा. अच्छा तो चार वनडे मैच खेले जाएंगे, प्रॉबिलिटीज ऑफ India's win. Sorry. That is equal to 0.6. और हमसे find करने के लिए कहा है find the probability distribution. Of India's win. आगे देखेंगे हम लोग फाइंड द प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज विन. तो जैसा कि हमने बताया था पांच केसेस हैं लेकिन आप थोड़ा सा लिखने का ढंग नया सीखेंगे इसलिए इसे आप नोट कर लो, इसे मिटा रहा हूँ. अच्छा मैं ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा और यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ. ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ आ गया. तो सबसे पहले हम इसमें चार क्वेश्चंस के आंसर देंगे, अच्छा तभी हमारा क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो पाएगा. सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैच खेले गए, चार. इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसे माना गया है, इंडिया की जीत को सक्सेस माना या ऑस्ट्रेलिया की जीत को सक्सेस माना गया है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की जीत को सक्सेस माने, क्वेश्चन में वो कुछ भी कह सकते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा चलना है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ India's win, that is equal to 0.60. इसे ना जरा मैं फ्रैक्शन बना देता हूँ, दैट विल बी 6/10, कट के 3/5 आ जाएगा. तो फ्रैक्शन में चलते हैं. अच्छा इसमें बन जाएगा ये 3/5, तो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई 3/5. इसके बाद हम एक अलग से प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करेंगे, तो जो सक्सेस है उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो नेचुरल है फेलियर आ जाएगा, दैट विल बी 2/5. नंबर ऑफ मैचेस 4, सक्सेस 3/5, फेलियर 2/5, और नंबर ऑफ सक्सेसेस
देखो अगर चार मैच खेले गए हैं तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उन सब की लिस्ट बना देनी है। जीरो सक्सेस भी हो सकती है, वन सक्सेस भी हो सकती है, टू सक्सेस भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव फाइव भी हो सकती हैं, लेकिन जब मैच ही चार हैं तो फाइव कैसे होगा, ठीक है? तो फाइव सक्सेस नहीं लिखनी, सीधी सी बात है, ज़ीरो से लेकर जितने मैच खेले गए उतने तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले जीरो सक्सेस की प्रॉब्लम निकालेंगे, फिर वन की, टू की, थ्री की, फोर की, सबकी प्रॉबलिटी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने प्रॉबलिटी ऑफ ज़ीरो सक्सेस निकाला, तो देखो ज़ीरो सक्सेस में हो जाएगा, इनको थोड़ा सा सिंबलाइज कर देते हैं हम, ठीक है। प्रॉबलिटी ऑफ सक्सेस को हम सिर्फ पी लिख लेते हैं और प्रॉबलिटी ऑफ फेलियर को हमने क्यू से डिनोट कर दिया। अच्छा ठीक है, जीरो सक्सेस है तो सक्सेस तो एक बार भी नहीं हुई, लेकिन चार मैच खेले थे तो चारों बार फेलियर हुई, तो मतलब क्यू 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 चार बार आएगा, ठीक है, फेलियर 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 फेलियर, क्योंकि जीरो सक्सेस चाहिए। और आपको याद होगा मैंने प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन आपको एक बार करवाए थे, तो उसमें क्या था, जितने मैचेस खेले गए उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो और जितने एक जैसी इवेंट्स आ रही हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो। तो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, टू बाय फाइव, 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 और ये कट के वन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 16/625 आ जाएगा, 16/225 जीरो सक्सेस की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस निकालेंगे, वन सक्सेस में क्या होगा, एक बार सक्सेस, सक्सेस यानी पी एक बार आया और क्यू जो है नेचुरल है वो तीन बार आया, मैंने इस बार क्यू को तीन बार लिखने के बदले क्यू की पावर थ्री लिख दी, क्यू 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 तीन बार, और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए चार मैचेस खेले गए थे, चार फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और क्यू तीन बार आ रहा है तो तीन से डिवाइड किया, पी एक बार आ रहा है तो एक से डिवाइड करेंगे, तो एक से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करके हम यही आंसर निकाल देंगे, पी 3/5, क्यू 2/5 की पावर 3, और इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है सिर्फ सॉल्व करके 4 आ जाएगा। अच्छा ये अब इसका आंसर निकालते हैं, 96/625 सॉल्व करके आ जाएगा 96/625। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस फाइंड करेंगे तो नेचुरल है पी दो बार आ जाएगा और क्यू भी दो बार आएगा, दो सक्सेस का मतलब है दो बार सक्सेस और दो बार फेलियर, क्योंकि चार मैच खेले गए, और अब ये दो मैच हमने जीते हैं लेकिन कौन से जीते, पहला और दूसरा जीता, पहला तीसरा, इस तरह करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसके लिए हमने इसे फोर से मल्टीप्लाई किया, फोर फैक्टोरियल से, लेकिन जितनी बार क्यू आ रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया, जितनी बार पी आ रहा है उतने फैक्टोरियल से भी डिवाइड किया, तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 3/5 की पावर 2, 2/5 की पावर भी 2, और मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। सॉल्व करके आएगा 216/625। आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो नेचुरल है पी की पावर 3 हो जाएगी और क्यू की पावर बाकी बची 1 आ जाएगी, चार मैच खेले गए चार फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, अब जितने पी और क्यू हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, पी तीन बार आ रहा है तीन से कर दिया, क्यू एक ही बार आ रहा है तो 1 से करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो 3/5 की पावर आ जाएगी 3, 2/5 की पावर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4,
ये भी आ जाएगा 216 बाय 625। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 3 सक्सेस का आंसर भी आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, चारों बार सक्सेस, तो पी की पावर पूरी 4 हो जाएगी और क्यू नहीं आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 मैच खेले गए और जितनी बार पी क्यू आ रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, पी चारों बार आ रहा है पूरा, तो पूरे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सॉल्व करेंगे तो p की पावर 4 यानी 3/5 की पावर 4, और ये से कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 81/625। तो ये हमने 5 केस बनते थे, 5 आंसर निकाल दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 केस बने, 0, 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हमने सीखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पूरी प्रोबेबिलिटी, जितनी 100% प्रोबेबिलिटी या 1 प्रोबेबिलिटी होती है, उसे जितने भी अलग अलग केसेस बनते हैं सभी केसेस में डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इसका मतलब जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हो रहा है, इसमें 4 मैचेस में हम कोई भी नहीं जीत पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16/25 है। 1 मैच में हम जीतेंगे 96/625, 2 मैचेस में जीतेंगे 216/625, 3 में जीतेंगे 216/625, 4 में जीतेंगे 81/625। अब अगर हम इन सब का सम निकाल कर देखेंगे तो आप लोग देखो, इन सब का जो सम है वो आ जाएगा, कितना आएगा, पूरा 625/625। यानी सॉल्व करेंगे तो कटेगा तो 1 आ जाएगा, पूरी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। सबको ऐड करके देख लो, 6 और 7 6 13 14 15 25, 2 और 1 3 9 12 13 14 6 20 22, 22 का 2 कैरी आ गए, 2 2 4 2 6, 625/625 सही आंसर आया। ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये हमने स्टार्ट कर दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं जरा कि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कौन सी बात है। तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन बिठा रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन है। अब जरा हम इसे एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लिख लेंगे एक x और यहां लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और x का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस और 4 सक्सेस। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 16/625। 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 96/625, 2 सक्सेस की 216/625, 3 सक्सेस 216/625, 4 सक्सेस 81/625, और सबका सम निकालेंगे, दैट विल बी 625/625 एंड कट के आ जाएगा इक्वल टू 1।
क्लियर है या नहीं? सिक्स ट्वेंटी फाइव है, ये प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जीरो सक्सेस, वन सक्सेस, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस, कितनी सक्सेस मिली, वही वाली नंबर ऑफ सक्सेस, जीरो वन टू थ्री फोर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी प्रॉबिलिटीज़ की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी, ठीक है। नेचुरल है कि अगर हमें एक सॉल्व करना आता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी आता है, तो एग्जाम में कोई एक फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं या दो फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, कहेंगे दोनों का सम निकाल दो एंड सो ऑन, कुछ भी कह सकते हैं, जो फाइंड करने के लिए बोलेंगे वो हम कर देंगे, ठीक है। अब हम अभी तो देखो इसको जो हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा सोच के अपने आप कर रहे थे, अब मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले से आंसर अपने आप बनेगा। ये टेबल सिर्फ समझाने के लिए था तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसे लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ थ्रोज, नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है, कॉइन है तो टॉस कर लिया, डाइस है थ्रो कर लिया, और मैच हो रहे हैं या कोई कार्ड निकालना है, ट्रायल्स हो गया, ड्रॉज हो गया, कोई कार्ड फाइंड किया एटसेट्रा, दैट इज नोन एज एन। तो नंबर ऑफ ट्रायल, थ्रो, टॉसेस और ड्रॉज को हम कहते हैं एन, जैसे इसमें नंबर ऑफ मैचेस प्लेड फोर थे तो इस फोर को हम कहते हैं एन। वो अभी मैंने जो मेथड करवाया इसमें एन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब एन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फोर की तो ज़रूरत पड़ी थी हमें। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स, टॉसेस, थ्रोज और ड्रॉज को हम कहते हैं एन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसको हम कहते हैं पी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम कहते हैं क्यू, और ये होता है वन माइनस पी, वन में से पी को माइनस कर दो तो आ जाता है क्यू, और एक होता है फिर नंबर ऑफ सक्सेसेस, इसको हम सिंबलाइज करते हैं आर से, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम सिंबलाइज करते हैं आर, ये आर से सिंबलाइज कर दिया इसको, तो ये हो गया हमारा एन, ये हो गया पी, ये क्यू और ये आर। तो जहाँ जहाँ मैंने पहले P, Q और फिर ये 4 लिखा था तो 4 की जगह मैं N लिख दूंगा एंड सो ऑन, मतलब एक फॉर्मूला बनाकर दिखा रहा हूँ अच्छा आपको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, R का मतलब है जितनी मर्जी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले तो P की पावर आर आ जाएगा, क्योंकि जितनी सक्सेस चाहिए सक्सेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे टू सक्सेस था तो पी की पावर टू, थ्री सक्सेस था तो पी की पावर थ्री, फोर था तो पी की पावर फोर आया ना, तो आर सक्सेसेस हैं तो पी को आर बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन टोटल मैच जो हमने खेले थे वो तो एन थे और हम सिर्फ आर मैचेस में ही जीते हैं, तो बाकी एन माइनस आर मैचेस में हम हारे होंगे, तो हारने की प्रॉबिलिटी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Q को हम मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर टाइम्स, जिससे कि दोनों का सम मिलाकर पूरा n बन जाए, r प्लस n माइनस आर, आर आर कट गया n, तो आप देखोगे कि P और Q की पावर का सम मिलाकर हमेशा 4 आता था, 1 और 3 4, 2 2 4, 3 1 4 4, और यहाँ पर Q की पावर 4 और P की पावर 0 नहीं था, तो पूरी 4 पावर आई, तो यहाँ भी दोनों का सम मिलाकर पूरा n हो जाएगा। और अब रही बात
कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा था कि ऊपर हमेशा n फैक्टोरियल आता है, नीचे ये r फैक्टोरियल आता है। ठीक है, ये वाला p की पावर वाला फैक्टोरियल और यहाँ पर q की पावर वाला फैक्टोरियल आता है, n माइनस r फैक्टोरियल, ये आता है कॉम्बिनेशन के लिए। तो मैंने आपको किसी क्लास में बताया होगा कि एन सी आर का फॉर्मूला भी यही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम एन सी आर लिख सकते हैं, एन सी आर का मीनिंग यही है, एन सी आर का मतलब यही है। तो अब क्या होगा कि मैं ये लिखने के बदले इसके बदले में ये लिख दूंगा और यहाँ शुरू में लिख देंगे एन सी आर। ठीक है, और साथ ही लिख दिया, ये भी लिख देता हूँ, वेयर एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आगे से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही पता है हमें। अच्छा, तो अल्टीमेटली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का ये वाला फॉर्मूला लगाया करेंगे और इसी फॉर्मूले से ही सारे आंसर निकालेंगे। मैं एक आधा आंसर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री सक्सेस इस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे, 4C3, आर की वैल्यू 3 हो गई, पी की पावर 3, पी की वैल्यू 3/5 की पावर 3, फोर सी थ्री, पी की पावर 3, क्यू की पावर 4-3 यानी 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, 4C3 को सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आएगा। तो देखो यहाँ भी यही आया था, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 आना था, तो मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, पी पी की वैल्यू 3/5 की पावर 3 और 2/5 की पावर 4-3 यानी 1। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो नेचुरल है कि बिल्कुल यही आंसर पहले भी आया था, 216/625। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन निकाल लिया है कि फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। नोट कर लो सारा, मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ और फीचर्स भी कहते हैं ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। सबसे पहले ही प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग BD लिख दिया करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए
डिस्क्रीट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा मैं इसको समझा रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट और दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या है कि हम कितनी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक रेंज में निकालनी होगी। लाइक जैसे क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होते थे ना, 0 से 10 के बीच की प्रोबेबिलिटी, 10 to 20, 20 to 30, दैट्स वाई उसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी कहते थे, ठीक है, क्लास इंटरवल वाली, और इसको हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, द इवेंट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लास इंटरवल। इसमें जो इवेंट होती है जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी होगी हमें, उसे हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ 0 to 5, 0 से लेकर 5 के बीच की सबकी प्रॉबिलिटी निकाल दो और सबका सम निकाल दो। मतलब ये कि इसमें ना हम एक एक की प्रॉबिलिटी फाइंड ही नहीं कर सकते, 0 to 5 की प्रॉबिलिटी अलग अलग निकाल के फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही 0 से 5 तक की इकट्ठी प्रॉबिलिटी निकल जाएगी। कंटिन्यूस में ऐसा होता है, हम सीखेंगे, ठीक है। और डिस्क्रीट में क्या होता है, द इवेंट इज डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ ए होल नंबर, पूरा पूरा नंबर, लाइक 0, 1, 2। तो जैसा हमने क्रिकेट मैच वाला देखा था, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में आएगा। अच्छा, ये कंटिन्यूस के अंदर, तो ये एक डिस्क्रीट, जैसा कि हमने देख लिया क्रिकेट मैच वाला एग्जांपल सीखा था, तो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, जो इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इट्स मीन इज इक्वल टू, ठीक है, वो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले इस चार्ट को नोट कर लो, इसे मैं बिठाऊंगा और यहां पर कुछ समझाऊंगा। अच्छा, देखो, अभी हमने जो ऊपर एक क्वेश्चन सीखा था क्रिकेट मैच वाला, उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी 0, 1, 2, 3 और 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, कितनी दी हुई थी, 16/625, 96/625,
216 by 625 और 81 by 625, याद होगा सबको। ठीक है, अगर हमसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जाए, फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन, जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इट्स मीन, तो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक ही बात होती है ना। तो बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, इसका सम निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स और पी एक्स हमें अलग अलग दिया है, यहाँ पर हम एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालेंगे। जीरो इंटू दिस जीरो, वन इंटू दिस 96 by 625, टू इंटू दिस 432 625, थ्री इंटू दिस 648 by 625, फोर इंटू दिस 324 upon 625, और सबका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। छः दो आठ, सोलह चार बी, दो नौ ग्यारह, सात अठारह, दो बी, दो चार, छः छः बारह, तीन पंद्रह, 1500 by 625। तो सिग्मा एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 divided by 625, थोड़ा सा इसको काट देंगे हम, 25 से काटा, 60 upon 25, थोड़ा सा और काट दिया 5 से, 12 upon 5, तो अल्टीमेटली काट पीट के कितना आंसर आया, 12 upon 5। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको इसका मेन का फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन फाइंड करने का फार्मूला होता है n इंटू पी, और बस दैट्स ऑल। यानी ये जो हमने इतना बड़ा काम किया ये सारा तो इसी से निकल जाता, निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर हम मेन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाते हैं, n इंटू पी, एन कितना था 4, मतलब यहाँ से काउंट नहीं करना 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ऐसे नहीं, एन वही वाला एन जो मैंने शुरू में लिखवाया था, जो यहाँ लिखते हैं हम, एन की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू थी 3 by 5, 4 3 12 by 5, देखा सेम आंसर आ गया। मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इट्स वेरियंस, वो भी अभी नहीं बता रहा, पहले आपको वेरियंस भी फाइंड करके दिखाता हूँ। मीन एंड वेरियंस, देखो वेरियंस फाइंड करने का मैंने आपको ये वाला ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाया हुआ, तो अब लिखवा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर वाला फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा और प्रॉपर्टीज़ में जो शॉर्टकट फार्मूला आता है वो भी लिखवा दूंगा। अच्छा, और आप लोग देखोगे दोनों से आंसर सेम आता है। जरा मैं इतना सा मिटा देता हूँ ये वाला, और यहाँ पर आपको वेरियंस का फॉर्मूला फाइंड करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और वैल्यू फाइंड करके दिखाऊँ। वेरियंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स और माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स सिग्मा समेत होल स्क्वायर, फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स और सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स पी एक्स हमारे पास पहले से ही निकला हुआ है 12 by 5, अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालना है। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स का मतलब है एक्स का स्क्वायर करके उसे पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो का स्क्वायर इंटू दिस जीरो, वन का स्क्वायर इंटू दिस 96 by 625, टू का स्क्वायर 4 इंटू दिस
864 अपॉन 625। थ्री का स्क्वायर 9 इंटू दिस, 4 का स्क्वायर 16 इंटू दिस, 1296 अपॉन 625। चेक कर ले जरा, ठीक है, सबका सम निकाला, 6 4 10 10 20, 2 9 11 10 21 और 9 30, 3 आ गया कैरी, 3 और 8 11 9 20 और 2 22, 2 आ गया, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4200 अपॉन 625। सम एक बार और निकाल लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट की, 4200 अपॉन 625 और माइनस एक्सपीएक्स का होल स्क्वायर, ये रहा काट पीट के जो छोटा सा आया था, 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा काट देते हैं इसको, वन फोर्टी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव, दोनों को माइनस किया तो आया 24 अपॉन 25। अब मैं आपको इसके वेरिएंस का शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू, n p और q तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम आंसर आएगा, यही करके दिखा रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इंटू पी इंटू क्यू। तो देखो एक लाइन में बिना ये सारा एक्स स्क्वायर पी एक्स निकाले कुछ नहीं निकालना, n 4 p 3/5 q 2/5, 4 3 12 2 24, दैट्स ऑल, 24/25। देखा दोनों आंसर सेम आए, और वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास एन पी क्यू। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रॉबिलिटी ऑफ आर प्लस वन सक्सेस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। नए ढंग से लिखवाता हूँ, हाउ टू फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ आर प्लस वन सक्सेस बाय यूजिंग द प्रीवियस आंसर ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। तो यानी जब हमने पी ज़ीरो पी वन पी टू निकाला सपोज, तो पी टू तक तो निकाल चुके हैं, तो पी थ्री निकालने के लिए हमें फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, बड़ा वाला ये वाला सी वाला भी, ये इतनी बड़ी बड़ी पावर निकालनी पड़ती हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें बताती है कि पुराने वाले आंसर का यूज़ करके नया आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये मैंने यहीं लिख दिया। अच्छा, हाउ टू फाइंड पी आर प्लस वन बाई यूजिंग द प्रीवियस आंसर ऑफ पी आर, फॉर्मूला है प्रॉबिलिटी ऑफ आर प्लस वन सक्सेस इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, जो पुराना आंसर आया था, इनटू एन माइनस आर अपॉन में आर प्लस वन, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइड बाय क्यू। तो आप देखोगे कि फॉर्मूला बड़ा आसान हो गया। देखो ना, एन सी आर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है ना, पी की पावर आर इतनी बड़ी पावर निकालने की ज़रूरत नहीं, ओनली पी चाहिए ना, क्यू की पावर एन माइनस आर चाहिए, ओनली क्यू चाहिए, और कोई फैक्टोरियल वगैरह भी नहीं चाहिए, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है। मैं आपको एक आंसर निकाल के दिखाता हूँ इसकी हेल्प से। सपोज हमें पी वन दिया है या पी जीरो दिया है, तो जीरो से वन कैसे बनाते हैं निकाल के दिखा रहा हूँ यहीं पर ही। इधर फाइंड कर देता हूं, ये सारा मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लो सारा जल्दी से। तो मैं बता रहा था हाउ टू फाइंड पी आर। सपोज पी जीरो की वैल्यू हमने फाइंड की सबसे पहले 16/25, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी आर, पी आर हो गया ये वाला, तो आर की वैल्यू हो गई ज़ीरो। अब मैं आपको ज़ीरो प्लस वन की वैल्यू फाइंड करके दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला है, पहले निकालेंगे पी ज़ीरो इंटू एन माइनस आर, एन तो फोर ही है, माइनस आर, आर ज़ीरो अपॉन में ज़ीरो प्लस वन इंटू पी बाई क्यू। p by q जो है वो p की वैल्यू 3/5 थी और q की वैल्यू 2/5 थी, क्वेश्चन में याद है ना, तो अगर p by q निकालेंगे तो 5/5 कट जाएगा, 3/2 बच जाएगा। अभी मैं 3/5 अपॉन 2/5 लिख रहा हूँ, लेकिन 5/5 काट दूंगा। p जीरो का आंसर आया 16/25। इंटू फोर अपॉन में वन और इंटू 5/5 कट गया, 3/2। तो बस अब इनको ज़रा हम काट देते हैं, टू से कटा तो टू आ गया, 3 × 6 = 96 अपॉन में 625। देखा, सेम आंसर आया। तो ऐसे ही अब ये वन का आंसर आ गया, तो इसी वन वाले आंसर से फिर हम टू का आंसर भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अगर हमें वन का आंसर यूज़ करके टू का आंसर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस वन, तो पी वन पी आर हो गया, ठीक है, तो आर की वैल्यू होगी वन, और हमें अब वन प्लस वन यानी टू निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा पी वन प्लस वन इज इक्वल टू पी वन इंटू एन माइनस आर, फोर माइनस वन अपॉन में वन प्लस वन इंटू 3/5 2/5। सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पी वन का आंसर 96/625 इंटू 3/2 और इंटू 3/2, 2 × 2 = 4 करके इकट्ठा कर काट दिया, 24 24 × 9 = 216, सेम आंसर आ गया, एंड सो। तो अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला बड़े काम का हो गया। नोट करो सारा कुछ।
कर लो, मिटाएंगे इसको। सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है हाउ टू फाइंड मोड। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी मोर देन वन मोड। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा पॉसिबल है कि मोड्स एक से ज़्यादा हो जाएं। मतलब ये इट मीन्स इट मे बी यूनिमॉडल। यूनिमॉडल का मतलब है मोड का आंसर एक आएगा। अच्छा, एक फिक्स आंसर यूनिमॉडल। और मे बी बाय मॉडल, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही वैल्यू आई मोड की, या फिर दो वैल्यू भी आ सकती हैं। बाई मॉडल मतलब दो मोड आ सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा एक मोड है और कैसे पता चलेगा दो हैं, और कैसे फाइंड करना है, इसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस वन इंटू पी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस वन इंटू पी। इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा। इट इज इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर आना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नॉन इंटीजर का मतलब है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या डेसिमल में आना, ठीक है। अगर तो इंटीजर में आया तो ये बाय मॉडल है, और अगर इंटीजर में नहीं आया देन इट इज यूनिमॉडल। ठीक से समझ आया या नहीं आया, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस वन इंटू पी, और एन प्लस वन इंटू पी की वैल्यू या तो पूरी पूरी आएगी बिना डेसिमल बिना फ्रैक्शन में, या फिर वो फ्रैक्शन में आएगी। अगर तो पूरी पूरी आंसर आई, वैल्यू आई, देन इट इज़ बाय मॉडल, मतलब दो मोड की वैल्यू आएंगी। मोड का मतलब है जब प्रॉबिलिटी सबसे बड़ी आती है ना, उसको मोड कहते हैं। जैसे मोड में हमने सीखा था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो वो मोड होता है, और प्रॉबिलिटी में जिसकी प्रॉबिलिटी सबसे बड़ी हो हाईएस्ट हो उसे मोड कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर आने पर बाय मॉडल और नॉन इंटीजर आने पर यूनिमॉडल। अब ये तो पता चल गया कि दो मोड हैं और एक है, लेकिन है क्या, अब वो देखना है हमें। अगर तो इंटीजर आया देन मोड्स विल बी, एक तो एन प्लस वन इंटू पी खुद वही वाली वैल्यू हो जाएगी, एन प्लस वन इंटू पी का जितना आंसर आया है वो खुद ही मोड है, ठीक है। और दूसरा एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू पी माइनस वन, उसमें से एक कम कर दिया जाए तो वो मोड हो जाएगा। अच्छा, दो मोड हैं, एक एन प्लस वन इंटू पी और एक उसी में से एक कम, ठीक है। और अगर ये डेसिमल या फ्रैक्शन में आंसर आया है तो एक ही मोड होगा, तो मोड की वैल्यू आएगी
जो एन प्लस वन इंटू पी की वैल्यू डेसिमल में आई है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल में आई है, तो उस फ्रैक्शन या डेसिमल वाली वैल्यू के बाद जो इंटीजर आएगा वो मोड एच है। तो मोड क्या होगा? द नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर देन एन प्लस वन इंटू पी। जैसे एन प्लस वन इंटू पी की वैल्यू आ गई 2.1, तो 2.1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है? 3, तो 3 हो गया मोड। 2+6 आ गया तो भी 3 है, 2.7 आ गया तो भी 3 है, 2.9 आ गया तो भी 3 है, लेकिन अगर 3.2 आ गया तो फिर 4 है। ठीक है, डेसिमल में आएगा ना, तो उसका नेक्स्ट इंटीजर बना देना ग्रेटर देन एन प्लस वन इंटू पी, यानी वही जो डेसिमल में वैल्यू आई थी एन प्लस वन इंटू पी की, डेसिमल में वैल्यू आई ना उससे बड़ी वैल्यू जो इंटीजर में आ रही है उसका पॉइंट वगैरह में नहीं लाना। 2.1 है तो 3 कर दो, 3.1 है तो 4 कर दो, 4.7 है तो 5 कर दो, 5.8 है तो 6 कर दो, राउंड ऑफ नहीं करना, मतलब नेक्स्ट ही लेकर जाना है। ठीक है, ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टी। इसको भी थोड़ा प्रूव करके दिखा रहा हूँ, 5th को प्रूव करके दिखा दिया था इधर, तो अब मैं ज़रा ये सारी चीज़ें मिटाऊंगा। नोट करो जल्दी से, सिक्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 थी, p की वैल्यू 3/5 थी, ठीक है, और हमसे फाइंड करने के लिए कहा है मोड। एग्जाम्पल, इस 6 प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अच्छा, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6। तो सबसे पहले हम n प्लस वन इंटू पी की वैल्यू निकालेंगे। n है 4, प्लस वन इंटू पी की वैल्यू है 3/5, तो ये हो गया 5 × 3/5, कट के आ गया 3। तो बताओ 3 एक इंटीजर है या फ्रैक्शन? आंसर है इंटीजर, पूरा नंबर है। तो अगर इंटीजर होता है तो बाई मॉडल मतलब दो मोड आएंगे, तो दो मोड कौन कौन से आएंगे? एक एन प्लस वन इंटू पी, एन प्लस वन इंटू पी मतलब 3, एक तो 3 मोड है और एक 3-1 2। Therefore, it is a case of bimodal. Therefore, mods are n plus 1 into p and n plus 1 into p minus 1, मतलब 3 and 3 minus 1, मतलब 3 and 2। तो मतलब इस क्वेश्चन में 3 और 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे बड़ी होगी और दोनों इक्वल होंगी। चेक करके देखते हैं, 3 की प्रोबेबिलिटी 216/625, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 216/625। देखा, ये दोनों मोड हैं। अच्छा, ये भी और ये भी, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई, हाईएस्ट प्रॉबिलिटी आई। ठीक समझ आ गया सबको? नोट करो, इस तरह नोट कर लो।
सर नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद हम इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी सीखेंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो नीचे तीन फॉर्म्स बना के दिखाऊंगा, तीनों में से किसी भी तरह की कर्व हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। पहली सीधा ऊपर गई और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, या फिर ऐसे हो सकती है धीरे धीरे करके ऊपर गई और फिर तेजी से नीचे आ गई, या फिर ऐसी हो सकती है जैसे करके ऊपर गई थी वैसे ही नीचे आ गई। ठीक है, अब देखो ये वाली शेप तब बनती है व्हेन पी इज इक्वल टू 1/2, या पी की वैल्यू हाफ आती है तो ऐसी शेप बनती है। व्हेन पी इज लेस देन 1/2 तो ऐसी शेप बनती है। व्हेन P is greater than 1/2 तो ऐसी शेप बनती है। अच्छा ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसी शेप एक तरफ है वैसी ही दूसरी तरफ है, लेकिन ये वाली जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, दे आर कॉल्ड स्क्यूड। कर्व एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्क्यूड कर्व। लेकिन हम दोनों के नाम में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो इसका नाम है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व और इसका नाम है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। समझ आ गया सारा? और ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से एक जैसी। सिमेट्रिकल एक जैसी, ठीक है। और एक लगे हाथों आपको सातवीं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, सातवीं होगी अच्छा एट्थ, इधर लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर सीखा था वेरियंस इक्वल टू NPQ, इसी के साथ ही लिखवा दूँ। तो देयरफॉर
स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इक्वल